One, two, three. तो गाइस यार आज ना ही हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ना ही कोई चैलेंज कर रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई कैमरामैन है। आज जो ये प्लान बनाया ना, इतना अचानक बनाया और ऐसा प्लान जो है गाइस मैंने इतनी जल्दी बन जाएगा मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और आज जो है गाइस ऐसा प्लान है कि आप उसको जब सुनोगे तो यार आप भी जो है पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओगे। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और विशाल करने वाला है अपना सपना पूरा, यानी कि यार अपना ड्रीम पूरा जो कि ये बचपन से देखता आ रहा है। तो भाई वीडियो में आपको पता लगने वाला है भाई क्या ड्रीम है। जो विशाल का ड्रीम है ना वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई तक ढूंढ लिया, लेकिन ड्रीम इसका नहीं मिला। ड्रीम मिला है भारत के उस साइड पे। तो गाइस यार अभी हम लोग हैं जयपुर के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर विशाल का जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ। तो यार दोस्तों हमको अब क्या करना पड़ेगा, राजस्थान से यहाँ से उड़ान भरनी पड़ेगी सीधी की सीधी विशाखापट्टनम और वहां जाकर इसका जो ड्रीम है वो कंप्लीट होगा। तो गाइस विशाल का ड्रीम है और गाइस ये ड्रीम विशाल का आप लोगों के बदौलत पूरा हुआ है, इसीलिए गाइस आज की इस वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना। और गाइस ये प्लान इतना इंस्टेंट बनाया कि गाइस हमारे कैमरामैन भी घर पे, और गाइस आपको बता दूं कि इन भैया को हमने एक कैमरा पकड़ा दिया थोड़ी देर के लिए। और गाइस ये सफर बहुत ज्यादा लंबा और गाइस सफर के साथ साथ सपना भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो गाइस हम लोग अब यहाँ से अपने सपने की तरफ उड़ान भर रहे हैं। भाई बहुत लेट हो चुके हैं, मौसम खराब है, फ्लाइट लेट है, एयरपोर्ट कैसे बैठे हो? अच्छे से बैठे हैं। अच्छे हो ना? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। भैया पूछा तो यार सभी लोगों के बोर्डिंग पास हमारे हाथ में आ चुके हैं और भाई अब चलते हैं। आजा आजा आजा, तुम चल मैं भी आ जाऊं। मेरा बोर्डिंग पास वो ले गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक घंटा ठुक जाएगा आराम से। एक घंटा आराम से भाई, चेकिंग कितनी लंबी चलती है। तो गाइस सब कुछ रेडी है, हमने लगेज भी चेक करवा लिया है, हम वेटिंग एरिया में भी पहुंच चुके हैं। अब फ्लाइट है 5:20 पर और अभी जो है लगभग 4 बजे हैं। और दिनेश और विशाल जो है ना मेरे और गुड्डू के साथ प्रैंक कर रहे हैं भाई, 3 घंटे लेट है। तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के बोल रहे थे कि हमारी फ्लाइट 3 घंटे लेट है। हमने कहा क्यों, कि मौसम खराब है। हम जाके देख लिया यहाँ पर तो यार धूप थी बहुत सारी। तो धूप तो है लेकिन आगे जो मौसम है ना वो खराब है। नहीं नहीं, राइट टाइम है, राइट आगे आगे का आगे देखेंगे यार, आप भी देखना आगे। तो आपको बस यही कहना चाहते हैं हम सारे लोग, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को यार दबा के आज तो लाइक करना ही करना है ना। और भाई ड्रीम के पीछे विशाल का ड्रीम क्या है यार, भाग रहे हैं, देखो उड़ रहे हैं ड्रीम के पीछे। एग्जैक्ट आप है ना कमेंट करके बता दो कि ड्रीम है क्या, एग्जैक्ट क्या चीज है बता दो अभी अभी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बस में बैठ चुके हैं और पहले से ही शिवराज, गुड्डू और विशाल यहाँ पर बैठे हैं। अरे यही चाहिए, चलना नहीं है क्या? चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो फिर क्या कर रहा है वो रही फ्लाइट? कौन सी फ्लाइट है वो रही? उधर का है चलो 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 चलो, पैसे टिकट टिकट पीछे पीछे पीछे। तो गाइस हम लोगों की ये रही फ्लाइट और ये फ्लाइट जाएगी सीधी हैदराबाद और उसके बाद हमें वापस चेंज करनी पड़ेगी। हैदराबाद में भाई 1.5 घंटा हाल्ट है हमारा, वहाँ से भी उठना है। दो फ्लाइट चेंज है, दोनों इंडिगो की है, दोनों कनेक्टेड ही है। बिल्कुल हैदराबाद से फिर वापस हम पकड़ेंगे कौन सी, निजात की, विशाखापट्टनम। हैदराबाद तो पहुंच चुके हैं और अब कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी, तो वो हमें वाईजैक ले जाएगी। तो अब उसके लिए बस भी आ चुकी है, सारे पैसेंजर बैठ रहे हैं। ये रही भाई बस, 2 घंटे ट्रेवल कर लिया हमने
हैदराबाद में है अभी फाइनली, लेकिन पहुंचे नहीं है विशाखापट्टनम। विशाल का जो ड्रीम है ना सच के अंदर काफी मुश्किल भरा है, अभी भी ड्रीम के पास में पहुंचे नहीं है और अभी भी पहुंचने में करीबन 2 घंटे और लगेंगे। हाँ जी बस चले। ओके भाई बहुत सारे प्लान है और सेकेंड प्लान हमारा ये रहा और हम रहे ये हमारे कैप्टन साहब। तो भाई ये है साउथ का उत्पम, क्या साउथ का सबसे फेमस उत्पम। बिल्कुल उत्पम बहुत तगड़ी चीज लग रही है भाई। तो गाइस नेक्स्ट डे आ चुका है और अब नाश्ता पानी भी कर लिया है, आप मौसम देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम है और अब हम निकलते हैं उस ड्रीम की तरफ जहाँ पर शायद वो हमारा इंतजार कर रहा है। और गाइस विशाल का जो ड्रीम है वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर यानी कि 2-4 किलोमीटर दूर ही है और गाइस ड्रीम को पास जाने के लिए हमें एक ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर बहुत सारे ऑटो चलते हैं आप लोग देखो, और हम लोग जो है ना रात को यहाँ पर रुके थे क्योंकि रात को लेट ही पहुँचे थे और यहाँ पर आए थे। हाँ भाई चले आ जाओ ऑटो मिल गए, ऑटो मिल गए गाइस चलो। और भाई यहाँ की लैंग्वेज बोलने में यार काफी मजा आ रहा है, आ तो नहीं रही है लेकिन इनका जो लेजा है ना वो बोलने में काफी मजा आ रहा है हमें। और गाइस यहाँ का ब्रेकफास्ट इडली डोसा वड़ा मेंदू वड़ा क्या अन्ने मान गए जी, अन्ने मान गए जी, ठीक है हमको इतना ही आता चाहिए। हम जो है ड्रीम पूरा करेंगे इस रिक्शा से है ना। बिल्कुल भाई करेंगे ना भाई, बिल्कुल भाई स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ता है। और जो विशाल का ड्रीम है यहाँ से 4 किलोमीटर है, बिल्कुल, और 4 किलोमीटर बाद मिल जाएगा विशाल का अपना ड्रीम। तो भाई आपको कुछ पता नहीं है अभी ड्रीम क्या है, क्या चीज है, कौन सी जगह है, क्या है क्या नहीं है, तो भाई आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री का बटन है यूट्यूब ने है ना आपको फ्री का बटन दे रखा है लाल वाला, वो दबा दो, दबा दो भाई, दबा दो यार भाई विशाल के लिए दबा दो यार। धमाके आने वाले हैं और भी लेकिन इस धमाके के लिए यार तो दबाना बनता ही है, इतना बड़ा धमाका कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग विशाल के ड्रीम के जस्ट पास में खड़े हैं, यानी कि हमारे आंखों के सामने विशाल भाई का ड्रीम है और गाइज वो ड्रीम बताएगा गुड्डू क्या ड्रीम है। हाँ भाई बता दो। तो गाइज यार फाइनली आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि विशाल का ड्रीम एक्चुअली के अंदर है क्या, लेकिन एग्जैक्ट जो नाम है वो आप लोगों को अभी तक बिल्कुल पता नहीं चला है। तो भाई विशाल का ड्रीम है एक गाड़ी लेने का। तो भाई अब हम जो है ना शोरूम के पास आ चुके हैं और ये रहा हमारे सामने ही शोरूम, इसके अंदर खड़ा है इसका ड्रीम, अब पता नहीं है भाई कि ड्रीम है क्या। तो भाई अब जो है विशाल का जो ड्रीम है वो हमारे सामने है रेड कारपेट के सामने अंदर उसके अंदर। तो गाइज ये रहा विशाल और विशाल की आंखों के सामने है विशाल का ड्रीम, ये रहा गाइज विशाल का ड्रीम इस रेड पर्दे के नीचे पीछे। और अब थोड़ी देर के अंदर हम आप लोगों को बताते हैं कि ड्रीम आखिरकार है कौन सा भाई, भाई कैसा लग रहा है। बहुत मस्त लग रहा है यार, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। टाइम पहले इस चीज को मतलब दिल में रखा था। ओ बढ़िया 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 बढ़िया। तो गाइज यार हम जो है 2000 किलोमीटर दूर से उस शोरूम से 2000 किलोमीटर का सफर करके वापस इसी जगह पर आ चुके हैं जहां से हमने लगभग 4 साल पहले
शुरुआत की थी उन तेल और कढ़ाइयों के साथ। तो भाई अब फाइनली चीज ये है कि यार विशाल का जो सरप्राइज है उसको गाड़ी लेने का, तो वो जो गाड़ी है अपने इस ग्राउंड में आ चुकी है और कुछ ही टाइम के बाद में सरप्राइज आपको पता लगने वाला है। हम सबको तो पता है लेकिन फिर भी यार आप लोग बता दो कि यार कौन सी गाड़ी है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए हर टाइम खुला है, कमेंट करो कि कौन सी गाड़ी है। वीडियो को लाइक कर दो, भरपूर लाइक चाहिए भाई इस बार, तो आपका प्यार खूब चाहिए। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। तो गाइस यार अब आप लोगों का जो सस्पेंस है वो धीरे धीरे हम लोग खत्म करते हैं। इस लाल पर्दे के नीचे आखिरकार क्या चीज छुपी हुई है, जो आपने सोचा था अपने मन के अंदर, क्या वो सही निकलेगा या फिर नहीं। तो फटाफट से जो आपका सस्पेंस है उसको खत्म कर देते हैं। तो रेडी? यस। तैयार? एक मिनट। तो गाइस इस रेड पर्दे के नीचे कौन सी कंपनी की ये बड़ी सारी गाड़ी है? टोयोटा की है, टाटा की है, एमजी की है, किया की है या फिर महिंद्रा की? तो गाइस अब आपका सस्पेंस खोल देते हैं। ऑन वन टू थ्री। यस, बैठ जा भाई ड्रीम में, बैठ गए? बैठ गए। आजा। तो भाई ये था ड्रीम, आपको पहले ही पता चल गया और यहाँ पे और चल रहा है। अब इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो भाई फाइनली गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, विशाल ने ड्राइव कर दी है गाड़ी। भाई मुस्कुराहट देखो भाई चेहरे की, यार फर्स्ट ड्राइव इन स्कॉर्पियो एन। तो गाइस यार फाइनली आप लोगों का जो सस्पेंस है वो खुल चुका है। विशाल ने अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर लिया है। विशाल का जो फाइनली ड्रीम है वो आप लोगों के सामने है। और भाई सब लोग कमेंट करो कि यार भाई गुड्डू को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर लो। और गाइस हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो।